डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, 1857 की क्रांति की असफलता के बाद भी लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वालामुखी धधकती रही और यह ज्वालामुखी समय समय पर देखने को मिलता रहा। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठता रहा और युद्ध भी होता रहा। इसी तरह का यह चैप्टर दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये क्लास 5 का SST बुक है, चैप्टर 6 है और इस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो आइए हम लोग इसको पढ़कर देख लेते हैं। पिछले पाठों में हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पढ़ी। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भारत की अधिकांश जनता ने सब प्रकार के भेदभाव भुलाकर तन मन धन से सहयोग किया था। सेना के भारतीय जवानों ने भी अपनी नौकरी व जीवन की चिंता न करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम वीरता एवं बलिदान की प्रेरणादायी कहानी बन गई है, परंतु अनेक कारणों से युद्ध सफल ना हो सका और ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने अधिकार में ले लिया। जिस समय उसका शासन था, तो उस समय का शासन अप्रत्यक्ष रूप से था। उन लोगों का कहना था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी हो या उसके हाथ में शासन हो, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया को हटाकर प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया। अब यह समझ में आने लगा कि कंप्लीटली उसके हाथ में, ब्रिटिश सरकार के हाथ में शासन आ गया। तो 1857 में जो संग्राम हुआ था, कई कारण था उसका असफल होने का, लेकिन फिर भी उस स्वतंत्रता संग्राम से लोगों को एक प्रेरणा मिला और उन लोगों के अंदर एक विश्वास आ गया कि अब जो है अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है। इस तरह से अंग्रेजी सरकार ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, अनेक घोषणाएँ की, भारतीयों को अपने देश और संस्कृति से काटने के लिए मैकाले की शिक्षा योजना लागू की, परंतु भारतवासियों के मन में देश को स्वतंत्र कराने की आग सुलगती रही। देश में जगह जगह अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों के मन का रोष प्रकट होता रहा। वे चाहे जितनी भी नीतियां अपना ले, लेकिन हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की सभ्यता जो हमारे मन पे पड़ा हुआ है, उसे किसी भी स्थिति में वो ख़त्म नहीं कर सकता था। हालांकि उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वैसे ही समय में बहुत सारे ऐसे महान लीडर्स उत्पन्न हो गए, पैदा हो गए, और जिन्होंने हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया और हम अपने देश के प्रति जो भक्तिभाव है उसको बरकरार रख पाएँ। इसके आगे दिया हुआ है, ऐसा ही एक प्रसंग पंजाब के लुधियाना जिले में आया। पंडित राम सिंह कुक्का, जिनका जन्म लुधियाना जिले के मेड़ी नामक स्थान पर हुआ था, अंग्रेजी सेना की नौकरी छोड़कर धर्म प्रचार में लग गए थे। वे गौ हत्या के विरोध में भी प्रचार करते थे, लोगों में स्वदेशी भाव जागृत किया, युवकों में देशहित के भावों का संचार करने के लिए गाँव-गाँव का दौरा किया, बहुत से युवकों को संगठित कर लिया तथा उनको अंग्रेजी शासन समाप्त करने का कार्य करने की प्रेरणा दी। उनके शिष्य नामधारी सिख कहलाते थे। पंजाब के 22 जिलों में उनका बहुत प्रभाव फैल गया। यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है गुरु राम सिंह कुक्का का, तो इसके बारे में ज़्यादातर बच्चे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया था, उनसे युद्ध भी किया था और इनको अंग्रेज़ों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। गुरु राम सिंह कुक्का अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी किया करते थे। अचानक ही उनके मन में देशभक्ति की भावना उभर आती है और वो नौकरी को छोड़ देते हैं। नौकरी को छोड़कर धर्म प्रचार में लग जाते हैं। गौ हत्या के विरुद्ध भी वो प्रचार करते हैं, लोगों के अंदर स्वदेशी की भावना जगाते हैं, युवकों में देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं, गांव-गांव जाकर युवकों को संगठित करते हैं और उन लोगों को बतलाते हैं कि अंग्रेजी शासन को किसी भी तरह से यहाँ से हटाया जाए। उनके जो शिष्य थे वे सभी नामधारी सिख कहलाते थे। उस समय 22 जिलों में उनका काफ़ी प्रभाव फैल गया था। एक बार गौ हत्या करने के कारण उनके शिष्यों का कसाईयों से संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कई कसाई मारे गए। संघर्ष के बाद अमृतसर जाते हुए उनका सामना अंग्रेजी सेना से हो गया। अंग्रेजी सेना से डटकर युद्ध हुआ। यह स्थान पंजाब के लुधियाना जिले में मालेर कोटला था, तो ये जगह का नाम दिया हुआ है। इस युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए। जब उनका सामना हो गया अंग्रेजों से, तो उनके जो शिष्य थे वे भी एक योद्धा ही थे, तो उन लोग भी लड़ने के लिए जानते थे और अंग्रेजी सैनिकों को, उन लोगों ने काफ़ी सैनिकों को मार दिया। तो ऐसे स्थिति में बड़ी सैनिक बुलाकर फिर उन लोगों को बंदी बना लिया गया। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि 68 शिष्य भी बंदी बनाए गए। कई सारे शिष्य को जो बंदी बना लिया गया और फिर उन पर मुकदमा चला, उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाया गया। तो यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है कावन, सेना नायक कावन, तो उसकी उपस्थिति में इन लोगों को तोप के मुँह में बांध कर और तोप से उड़ा दिया जाता था, तो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाया करता था। सभी को इसी तरह से उड़ाया गया। 49 वीर को इस तरह से तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया और वे लोग निडर थे, बिल्कुल अपने ही तोप के सामने आ जाया करते थे। और 13 वर्ष का एक बच्चा था जिसका नाम था विशन सिंह,
तो उसकी पत्नी सेनानायक कावन ने अपनी पत्नी के आग्रह पर उसको तोप के गोले से उड़वाने के स्थान पर उसके गुरु राम सिंह को गाली देते हुए उसका साथ छोड़ने के लिए कहा। तो यहाँ पे वो बच्चा था, इसीलिए सोचा कि चलो इस पे थोड़ा आराम कर देते हैं, लेकिन उसने ऐसा शर्त रखा जिसको मानना मुमकिन नहीं था। उसने कहा कि एक काम करो, मैं तुमको जिंदा छोड़ देता हूँ और तुम जो है अपने गुरु को गाली दो और उससे अपना नाता तोड़ लो, उसका साथ छोड़ दो। तो बिशन सिंह को यह काफ़ी अपमानजनक लगा, उसे गुस्सा आ गया, उसने उछल कर कावन की दाढ़ी पकड़ ली और उसे नीचे गिरा दिया। उस समय उसमें असीम शक्ति आ गई थी, अनेक सैनिक दौड़ पड़े परंतु उसके हाथों से कावन की दाढ़ी ना छुड़ा सके। तो ऐसा हो गया, अचानक से इतना गुस्सा आ गया उसको कि उसके दाढ़ी को पकड़ लिया। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हैं, इस तरह का ये है, और उसके बाल को दाढ़ी को पकड़ कर जमीन पे उसका सिर पटकते रहा। अंत में उस वीर बालक के दोनों हाथ काट डाले गए। उसको छुड़ाने के लिए उसके हाथ काटने पड़े, तभी वो छोड़ा। बाद में बिशन सिंह के पैर भी काट दिए गए और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से किसी न किसी तरह से उसको मृत्युदंड देना ही था, तो हाथ पैर काटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाता है। इस घटना से सरकार सचेत हो गई। पंडित राम सिंह पकड़कर वर्मा म्यांमार की जेल में भेज दिया गया। उस समय पूरा इंडिया वर्मा म्यांमार सब एक ही हुआ करता था, पूरा इंडिया सीमा में ही आता था, तो वहाँ पर भेज दिया गया उसको, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। यह आंदोलन कुक्का विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुक्का विद्रोह किनके द्वारा चलाया गया था, उनके फाउंडर कौन थे, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। कुक्का विद्रोह किसने चलाया था, तो पंडित राम सिंह कुक्का ने कुक्का विद्रोह चलाया था। इस प्रकार 1857 के 15 वर्ष पश्चात सन 1872 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह पहला विस्फोट हुआ। तो ये घटना घटी थी 1872 ईस्वी में। कुक्का आंदोलन ने युवकों को प्रेरणा दी और स्थान स्थान पर युवकों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध काम करने के लिए तैयार किया जाने लगा। जब भी इस तरह की कोई घटना घटती थी तो लोगों में एक नया विश्वास जाग जाता था और फिर लोग उस पर काम करने लगते थे। तो यहाँ पे इसी तरह का एक अगली घटना जो दिया हुआ है, यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के का अंग्रेजों से युद्ध, तो वो भी इसी तरह के व्यक्ति थे। गुजरात प्रांत में एक ऐसे क्रांतिकारी युवक वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने अत्यंत साहसी कार्य किया। कुलावा जिले में जन्मे इस युवक ने न्यायमूर्ति श्री गोविंद रानाडे के स्वदेशी संबंधी भाषणों को सुनकर प्रेरणा प्राप्त की। इस तरह की घटना होने से पहले हम किसी ऐसे लीडर को सुनते हैं जिनके भाषण को सुनकर एक अलग ही फैसला लेते हैं और एक अटल फैसला लेते हैं। तो इसी तरह का श्री गोविंद रानाडे के बातों को सुनकर ये वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं उनमें एक प्रेरणा जाग गया और वे भी सरकारी नौकरी क्या करते थे, उन्होंने भी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और गांव-गांव के बीच में नौजवानों के बीच जाकर भाषण देने लगे और उन लोगों को समझाने लगे, तैयार करने लगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। उन्होंने युवकों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया। हजारों की संख्या में युवक उनके साथ आ गए। युवकों की सेना बनाकर उन्होंने अंग्रेजों पर धावा बोलना प्रारंभ कर दिया। शासन उनके कार्यों से घबरा गया, उनको पकड़ने का प्रयास किया परंतु वे पकड़ में नहीं आए। लोग उन्हें दूसरा शिवाजी कहने लगे। अंग्रेज इतने भी बहादुर नहीं थे कि वो किसी क्रांतिकारी को पकड़ ले, लेकिन क्रांतिकारी को पकड़ने का उसका दूसरा चाल होता था, वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्रांतिकारी से मिला हुआ रहता था, मतलब उसका दोस्त रहता था, तो वैसे व्यक्ति को खरीद लिया करते थे और उसके द्वारा छल कपट करके क्रांतिकारियों को पकड़ते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने जितना भी प्रयास किया लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने 50,000 रुपये इनाम की घोषणा की। जिस तरह से पैसे के बल पे उन्हें पकड़ने की कोशिश की, दीवारों पर उनके पोस्टर चिपकाए गए, परंतु लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने दूसरे दिन वासुदेव बलवंत फड़के के नाम से उन्हीं पोस्टरों के बगल में दूसरा पोस्टर चिपका देखा जिस पर लिखा था मुंबई के गवर्नर का सिर लाने वाले को 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कितना साहसी था यह वीर क्रांतिकारी। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष तेज हो गया। भागदौड़ और परिश्रम के कारण बलवंत फड़के अस्वस्थ हो गए। एक बार जब वे बुखार से पीड़ित होकर सो रहे थे तभी उन्हें पकड़ लिया गया। उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई और मातृभूमि भारत से हजारों मील दूर अरब देश में अदन की जेल में भेज दिया गया। उन्होंने जेल से भागने का प्रयत्न भी किया परंतु सफल नहीं हुए। अस्वस्थता के कारण वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो काम करने की जो जज्बा रहता है तो काफ़ी रहता है, लेकिन शरीर जो है इस पर साथ नहीं दे पाता है, और उनके साथ यही हुआ, वो अस्वस्थ हो गए और पकड़े गए। अंततः उनका मृत्यु जो है एक जेल में हो गया। उनको हिंदुस्तान से काफ़ी दूर अरब देश में भेज दिया जाता है और वहाँ पे अस्वस्थता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होने वाले इस दूसरे विस्फोट ने सरकार को सचेत कर दिया। अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र तथा षड्यंत्र तेजी से चल रहा था। सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा तथा सर राय बहादुर आदि उपाधियाँ बांटकर बड़े बड़े अधिकारियों एवं समाज के संपन्न लोगों को अपने पक्ष में करना प्रारंभ किया। जितने भी अमीर लोग थे यहाँ पे, उन लोगों को वो जानते थे कि किसी तरह से अपने साथ अगर इन लोगों को मिलाकर रखा जाए तो काफ़ी दिनों तक शासन किया जा सकता है, क्योंकि अंततः उन्हें पता था कि एक ना एक दिन यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो वे हमेशा वो नीति चलाते रहते थे, फूट डालो और राज करो, उनकी यही नीति थी।
और यहाँ पे आगे दिया हुआ है मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई, देश के गौरवशाली इतिहास को बदलने का प्रयास भी किया गया, भारत की जनता को जंगली असभ्य अशिक्षित पूर्वजों की संतान कहकर प्रचारित किया जाने लगा। इसी समय अंग्रेजों के इन षड्यंत्रों को विफल करने के लिए देश में सांस्कृतिक जागरण के प्रयास चलते रहे। इनकी कहानी हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई और हमारे देश के इतिहास को बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा ही यहाँ के लोगों को असभ्य जंगली अशिक्षित यह कहकर प्रचारित किया और इसे सिद्ध करने की कोशिश भी किया, परंतु अंग्रेजों के इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए हमारे देश में कई संत पैदा हुए जिन्होंने राष्ट्रीयता देशभक्ति की भावना का संचार किया। देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने की योजनाएं भी बनाई जाती रही और धीरे धीरे स्वतंत्रता का आंदोलन छिड़ गया। इस आंदोलन में देश की सामान्य जनता, युवा, बाल, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण व शहरी सभी ने भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए राजनीतिक, क्रांतिकारी, साहित्यिक एवं धार्मिक प्रयासों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किए गए उस आंदोलन में हमारे देश के सारे वर्ग के लोग, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और इसके बारे में और अगले चैप्टर में दिया हुआ है किस तरह की क्रांतिकारी की गई और हमें किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराने में सफलता मिली। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भरने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें कुछ गलत भी है, आप इसको आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के इसमें सुनिए बातों को, क्योंकि हो सकता है कभी आप जो है इसको देखें और पॉज करके लिखने लगे, तो इसमें कुछ गलत भी रहता है क्योंकि ये पहले से भरा गया है, स्टूडेंट लोग भरे हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही है, मैं आप लोगों को इसका आंसर आगे भी दे दूंगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। पंडित राम सिंह कुका का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना जिले में। इस तरह से यहाँ पे जो भी टिक लगा हुआ है ये सही है और मैं आप लोगों को इसका आंसर आगे भी दे देता हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ। यह चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कुका आंदोलनकारी क्या कार्य करते थे? कुका आंदोलनकारी युवकों में स्वदेशी और देशभक्ति भावनाओं को जागृत करते थे, उनको अंग्रेजी शासन समाप्त करने की प्रेरणा देते थे। कुकाओं को तोप के आगे खड़े करके क्यों उड़ाया गया? एक बार कुकाओं का संघर्ष अंग्रेजी सेना से हो गया। इस युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए, अनेक शिष्यों को बंदी बना लिया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। उन्हें मृत्युदंड के लिए तोप के आगे खड़ा करके उड़ाया गया। बिशन सिंह ने कावन की दाढ़ी क्यों पकड़ ली थी? वह कैसे छुड़ाई गई? बिशन सिंह मात्र 13 वर्ष का बालक था। यह देखकर कावन की पत्नी के आग्रह पर उसे तोप से उड़वाने के स्थान पर अपने गुरु को गाली देते हुए साथ छोड़ने को कहा गया। यह सुनकर बिशन सिंह ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली, छुड़ाने के लिए उसके दोनों हाथ काट दिए गए। 1857 के पश्चात देश की स्वतंत्रता के लिए प्रथम क्रांतिकारी प्रयास करने वाले युवक ने क्या क्या कार्य किए? 1857 के पश्चात एक क्रांतिकारी युवक वासुदेव बलवंत फड़के ने सरकारी नौकरी छोड़ दिया, गांव-गांव नौजवानों के बीच जाकर उन्हें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया, उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया। हजारों युवकों की सेना बनाकर उन्होंने अंग्रेजों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने समाज के संपन्न लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या किया? अंग्रेजी सरकार ने समाज के संपन्न लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए सर, राय बहादुर आदि की उपाधियां बांटना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें, इसका भी आंसर यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, आप अपने बुक में इसको देखकर भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, तो इसका भी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है, लुधियाना जिले में कसाईयों से, तो यहाँ पे देखकर आप अपने बुक में टिक लगा सकते हैं। यह चैप्टर समाप्त हो जाता है और इस चैप्टर के साथ ही यह पूरा बुक समाप्त हो गया है। इसी तरह के और दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।